कंप्यूटर की वर्किंग में आज हमने पेज नंबर 8 जो है बुक वर्क को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमारे पास है चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेस। जो हमारे पास करेक्ट वर्ड है उसको हमने चूज़ करना है और ब्लैंक स्पेस में इसको पुट करना है। एंड डैश कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा एज फिज़िकल क्वान्टिटीज़। कौन सा कंप्यूटर है जो डाटा को फिज़िकल क्वान्टिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट मतलब उसको जाहिर करता है? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यूज़ जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं डाटा प्रोसेस करने के लिए। अ डैश कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर हैं जो कि दोनों का कम्बिनेशन है मतलब दोनों उसमें खसूसियात हैं डिजिटल भी और एनालॉग भी? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड इन। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं खसूसी तौर पर एयरक्राफ्ट में और हॉस्पिटल में। डैश आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। किसको कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर को। डैश कंप्यूटर आर लाइट वेट एंड कैन बी कैरीड एनीवेयर। कौन से कंप्यूटर हैं जो बहुत हल्के हैं उनका वेट होता है और हर जगह आप उनको लेके जा सकते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ। मिनी कंप्यूटर जो है वो कैपेबल होते हैं कितने वो सपोर्ट कर सकते हैं? 100 यूज़र्स को। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड मेनली इन। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो खसूसी तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड फील्ड में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव लार्ज डैश। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डैश इज़ मैनी टाइम फास्टर दैन अदर कंप्यूटर। किसकी जो है कंप्यूटर की प्रोसेस स्पीड जो है वो बहुत बार जो है वो ज़्यादा होती है दूसरे कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। देन हमारे पास टिक्रोस हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज इन एयरक्राफ्ट एंड हॉस्पिटल। एनालॉग जो कंप्यूटर हैं वो यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट और हॉस्पिटल में, ये ट्रू है। डिजिटल कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस न्यूमेरिक डाटा। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो न्यूमेरिक डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकते, ये फॉल्स है, वो कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज्ड इन रैडर सिस्टम, ये भी ट्रू है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो रैडर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो एक अकेला शख्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, ट्रू। जैसे फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो वो एक अकेला बंदा जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ट्रू। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरिड एनीवेयर। डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, ये फॉल्स है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप आसानी से कहीं इधर उधर नहीं लेके जा सकते। जैसे आमतौर पर आपके कंप्यूटर होते हैं डेस्कटॉप है उसके साथ सब उसके साथ कीबोर्ड वगैरह सारा कुछ अटैच है, उसको आप हर जगह उठा के नहीं लेके जा सकते। अ नोटबुक कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल देन लैपटॉप। लैपटॉप से ज़्यादा पावरफुल होता है नोटबुक कंप्यूटर, ये फॉल्स है। नोटबुक कंप्यूटर्स मोबाइल को भी कहा जाता है तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, लैपटॉप जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वर्क स्टेशन इज़ अ मल्टी सेलुलर कंप्यूटर सिस्टम। वर्क स्टेशन जो है वो मल्टी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के पाए जाते हैं, ये भी फॉल्स है। वर्क स्टेशन जो है वो मल्टी सेलुलर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है।